told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. गुड मॉर्निंग भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करता है फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत, और आज है हमारे पास R15 वर्जन 4 जो हमने फुली कस्टमाइज कर दी है R1M के अंदर। और इसमें क्या क्या लगाया, क्या क्या वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फुली मॉडिफाइड R15M इस पर हमने लगा दिया है मोटा मोटा 30 से 35 हज़ार रुपये। शुरू करते हैं इसकी डिटेल के साथ। फॉर द वेरी फर्स्ट मॉडिफिकेशन हेयर वी हैव अ मोबाइल होल्डर। इसकी कंपनी का मेरे को नहीं पता क्या नाम है। इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दिस कॉस्ट अराउंड 1400 रुपीज़, और ये चार्जिंग वाला भी है विच इज़ गुड। और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन भी है, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद जिसमें एक और हमने मॉडिफिकेशन करी है इसकी परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए, इसमें मैंने टायर चेंज कर दिया है। वी हैव स्विच्ड टू 150 सेक्शन टायर फ्रॉम रेडस्टीन। MRF का प्रीमियम वाला ब्रांड है, मैं आपको बता दूं। अभी इसमें डला है 150/70 ZR17, यहाँ पे भी आपको दिखेगा नहीं। एंड उसके बाद हमने जो इसमें कराया था, इसमें इंडिकेटर्स लगाए थे, ये वाले काफ़ी ट्रेंडी इंडिकेटर है तो हमने लगा दिए थे, बट मेरे को पर्सनली थोड़ा सा ज़्यादा पसंद नहीं आया ये वाले इंडिकेटर्स। उसके बाद हमने इसमें लगाया था ये वाली फैंसी टेल टाइडी, और पूरी टेल टाइडी हमने हटा दी थी। ये भी मुझे 1200 रुपये की पड़ी थी और लेबर कॉस्ट पड़ी थी 100 रुपये। हमने घर पर नहीं लगाई है तो इसलिए ऑब्वियसली इसकी वीडियो भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमने इसमें लगाया है यामाहा का जेन्युइन क्रैश गार्ड्स। दिस कॉस्ट अराउंड 3500 रुपीज़, विच इज़ प्रेटी मच एक्सपेंसिव। देखो इसकी क्वालिटी देखना, मुड़ गया सीधा हो गया। अब जब बाइक गिरेगी क्या ही बचाएगा यार। इससे अच्छा ना यहाँ पे जो दूसरे वाले लगते थे वो ना वर्जन 3 में लगते थे, यहाँ से जो वो एक पाइप सा निकल जाता था वो इसमें नहीं लग सकते। यहाँ पे फेयरिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई थी कंपनी की तरफ से। एंड उसके बाद एक छोटी सी और मॉडिफिकेशन इसमें कराई थी, ये वाली विंगलेट जो कि आई थी ब्लैक कलर की, इसको हमने रैप कर दिया है ब्लू कलर में जो हमने कराई थी रैप उसके साथ में ही। एंड उसके बाद हमने इसमें लगाए थे विंग्स थे ब्लैक कलर के, और ये चाइनीज पेंच है भाई लोग, हमने इसमें चाइनीज पेंच मार रखे हैं बॉडी के अंदर। अब सही है वो ओनर टू ओनर डिपेंड करेगा कि उसको बॉदर करता है चाइनीज पेंच इंस्टॉल करना या नहीं, बट आप कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। एंड उसके बाद ये भी हमने कार्बन फाइबर डिप कर दिया था जब हमने बाइक को रैप कराया था। बाइक रैपिंग की कॉस्ट अभी आपको ब्रेक डाउन करके मैं बताने वाला हूँ। एंड हमने इसमें लगाए हैं आगे भी इंडिकेटर हमने चेंज कर दिए हैं, पीछे वाले जैसे लगा दिए हैं ट्रायंगल वाले, बट अब ये भी हम चेंज करने वाले हैं फॉर श्योर। इसकी वीडियो आ जाएगी चैनल के ऊपर। एंड द मेन थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल कि हमने इसको कर दिया है फुल्ली रैप्ड फ्रॉम A1 ग्राफिक्स। वेयर इज A1 ग्राफिक्स? A1 ग्राफिक्स। हमने जो थीम रखी थी उसको फोटो आपको यहाँ पे मिल रही होगी। थीम के हिसाब से बाइक बहुत ही प्यारी तैयार हुई है। हमने इसमें लगाए हैं पूरे पूरे रैप करने 25,000 रुपये, और जो इसमें मोटा खर्चा आया है वो आया है हाइड्रो डिपिंग का। हाइड्रो डिपिंग की हमें कॉस्ट देनी पड़ी है 10 रुपये पर इंच। एंड आप हाइड्रो डिपिंग की क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हैं विच इज़ वेरी गुड। अभी थोड़ी मिट्टी बैठ गई है और हम इसको भी वॉश भी नहीं करा सकते क्योंकि रैप अभी भी हुआ है, तो वॉश कराएंगे तो रैप अभी उतर सकता है प्रॉपर, वो सूखा नहीं है। और यहाँ पे भी हमने हाइड्रोकार्बन कार्बन फाइबर हाइड्रोडिप कार्बन फाइबर की टेप है ये, क्योंकि चैसी का पार्ट अगर हम इसको भी डिप करें तो फिर चैसी भी खोलनी पड़ती, इसलिए हमने यहाँ पे टेप करा दिया। एंड उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन टेप आपने देख ही लिए थे पहले भी, हम इसको भी हाइड्रोकार्बन डिप करवा सकते थे बट यहाँ पे कुछ मतलब बन नहीं रहा था, हमें थोड़ा सा नॉर्मल प्लास्टिक भी रखनी थी इसलिए हमने ये वाला हाइड्रोकार्बन डिप नहीं कराया। 8 नंबर जो ये थीम है ये ट्रैक बाइक्स की थीम होती है। ट्रैक बाइक्स पे आपने बाइक्स देखी होंगी, जो भी रेसिंग बाइक्स होती हैं उन पर इस तरह की थीम रखी जाती है, हमने इसमें भी वही करने की कोशिश करी है। जो मुझे एक सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो ये यहाँ पर जो गोल्डन स्ट्रिप्स है ये काफ़ी अच्छे इसको लुक दे पा रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे वाला जो टायर है वो इस बाइक में जा चुका है, हम उसको भी अपग्रेड करने वाले हैं रेडस्टीन के साथ या फिर अपोलो अल्फा H1 के साथ करेंगे, वो नहीं पता, आप फर्दर वीडियोस में हमारी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है इसका सीट कवर, और हमने इसमें फोमिंग करवा दी है विच इज़ वेरी गुड। यू कैन सी इसकी हमने पे कराया है 2500 रुपया विच इज़ प्रेटी मच एक्सपेंसिव, बट उन्होंने बोला था कि 2500 रुपये में यहाँ पे ना वो लोगो भी बनेगा R15 का यामाहा का, वो सब नहीं कर पाए वो पता नहीं क्या रहा, बट सही है चलो अब जो भी हुआ
सही है, हम उसमें वो नहीं करेंगे। सामने वाला जो वाइजर है वो भी हमने करवा दिया स्मोक, तो थोड़ा सा डार्क लुक आ रहा है आगे से। हमने अब इस बाइक की जो ब्रांडिंग करी है वो सब हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले ब्रांडिंग आप टॉप में देख रहे हो, एस्थेटिक बैंकर, दिस इज ओन्ड बाय एस्थेटिक बैंकर। आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं, इसकी इंस्टाग्राम पे भी रील्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। एक्रोपोविक एग्जॉस्ट जो कि भी इसमें लगा नहीं है, बट वेरी सून अगर हम इसको परफॉर्मेंस मोड के लिए रेडी करेंगे तो हम इसमें लगाएंगे जरूर एक्रोपोविक एग्जॉस्ट। एंड के वाई बी इज फॉर फ्रंट फोक सस्पेंशन, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे भी है विच इज स्टॉक। एंड उसके बाद गोप्रो की ब्रांडिंग, कुछ भी हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा है यार, आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो स्पॉन्सर्स में भी आ जाए हमारे पास भी। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ब्रांडिंग है ब्रेम्बो ब्रेक्स, जो कि नहीं है बाइबर की है, इसमें हमने ब्रेम्बो की वो कराई है। एंड हेयर इट इज मोटो एक्सपी R1, यहाँ की एक लाइन थी नीचे की वो यहाँ पे जा चुकी है। के वाई बी अगेन यार्ट कुछ नाम था जो हमने थीम रखी थी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, थीम के अंदर यार्ट कोई नाम था वो पता नहीं इसका मतलब क्या है। अगेन एक्रोपोविक गिलीज इज द रैप ब्रांड, ब्रिजस्टोन इज टायर की ब्रांडिंग, जबकि हम ब्रिजस्टोन के टायर्स में यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी ब्रांडिंग ब्रिजस्टोन ही कर रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा था। एंड हेयर इट इज एवन ग्राफिक्स, जहाँ से करी गई है पूरी रैप यामाहा। एंड अगेन दिस इज क्लिमबर्गर कार्बन, मतलब ये कार्बन फाइबर बनाने की कोई ब्रांड है, कार्बन फाइबर पार्ट से ब्रांड बनाती है बड़ी बड़ी कंपनी की। एंड उसके बाद जो ये है ये शायद MG कंपनी की थी, टेल टाइड आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है इसके बारे में पूरा। एग्जॉर की स्टिकरिंग, क्योंकि एग्जॉर का हम लोग हेलमेट वगैरह यूज़ करते हैं इसलिए वहाँ पर स्टिकरिंग एग्जॉर की हुई हुई है। तो भाई ये करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, होप कुछ रहा नहीं होगा, कुछ रह गया तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और नए हो तो करके जाना सब्सक्राइब, पुराने हो तो करना लाइक कमेंट, एंड वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, राइड आर्ट राइड सेफ।